ऐसे स्तर पे हम आ चुके हैं कि यहाँ से काफ़ी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वापस हम ना नहीं जा पाएंगे। तो अगर ऐसे हालात हमारा है तो हम आगे कैसे बढ़ें। कार्यक्रम तो जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त चारों तरफ दुनिया में जिस तरीके का एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिस्ट्रक्शन डैमेज वगैरह जो हो रहा है, उसके चलते हुए धम्मा के जो टीचिंग्स हैं, जो प्रचार गौतम बुद्ध ने किया था 2500 साल पहले, उसमें कई चीज़ें इतनी विस्तार से उन्होंने बताया हुआ है जो कि आज के दिन लागू हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। उन्होंने बल्कि उस वक्त कहा था कि नेचर जो है वो आपको इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगा जैसे आप नेचर के साथ करोगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो गैदरिंग है इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग जो आए हुए हैं देश विदेश से, सांगा के हेड जो धम्मा प्रैक्टिशनर्स हैं, ये आपस में मिल के चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में कि किस तरीके का एक मैसेज हम बोध गाया से, जहाँ पे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने जो एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, यहाँ से इस शहर से किस तरीके का एक मैसेज दुनिया को और लीडर्स चारों तरफ भेजा जाए। तो ये जो डिस्कशन है इस पे थरली माइंडफुलनेस से कहते हैं, माइंडफुलनेस के तहत लोग बैठ के चर्चा करेंगे और आशा है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट निकलेगा। दूसरी बात यह है कि विजडम और कंपैशन, ये जो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने काफ़ी बार 2000 साल पहले बात किया हुआ है, ये भी आज के दिन लागू है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं दुनिया में इधर उधर हो रहा है, इसके रेजोल्यूशन के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया हुआ है वो भी एप्लीकेबल आज के दिन है और उस पर भी कुछ चर्चा होगी और शायद कुछ मैसेज लीडर्स को दुनिया भर में भेजा जाएगा थ्रू द इंटरनेशनल संघा फोरम जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है।